वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि गोपाल कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। बहुत बड़ा मध्यंतर हो चुका है और काफ़ी बड़े कालावधि के बाद समय के पश्चात हम लोग यहाँ पर आज फिर से अभ्यास कर रहे हैं। इसके पहले सत्र में हमने चौथे अध्याय के 13, 14 और 15 इन 3 श्लोकों का अभ्यास किया था। एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हमने थोड़ा सा स्पर्श किया था पिछले सत्र में, कि संपूर्ण समाज में इस तरह से भगवद गीता की साक्षरता होना, भगवद गीता का यह ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। समाज का वेदांत साक्षर होना, गीता साक्षर होना आवश्यक है। साक्षरता का मतलब यहाँ पर केवल ये नहीं कि मनुष्य श्लोक पढ़ पाए या फिर उनका अर्थ पढ़ पाए। यहाँ पर साक्षरता से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि गीता के श्लोकों का जो अर्थ है उन्हें समझकर अपने जीवन में प्रत्यक्ष उस तरह का व्यवहार कर पाना, उस ज्ञान का अपने जीवन में प्रत्यक्ष उपयोग कर पाना, ये बहुत आवश्यक आज के लिए एक गुण, एक कौशल्य बन गया है। हम लोग समाज साक्षर हो इसके लिए प्रयासशील रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा विचार करें कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आज संघर्ष है। कुछ संघर्ष है जो व्यक्तिगत स्तर पर, कुछ संघर्ष पारिवारिक स्तर पर, कुछ जो झगड़े विवाद होते हैं वो समाज में होते हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, कुछ व्यवसाय में होते हैं, व्यवहार में होते हैं, अनेकानेक लोगों से होते हैं, अनेक समस्याएं हैं, अनेक संघर्ष है। इनका अगर हमें हल ढूंढना है तो कुछ हद तक ये इन समस्याओं का सोल्यूशन, इन समस्याओं का हल हम लोग विज्ञान की मदद से, सामाजिक व्यवस्था की मदद से, गवर्नमेंट के प्रशासन के मदद से हम लोग पाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सारी समस्याओं का हल बाहर से मिलना संभव नहीं है। हाल ही में रिसेंटली हमारी किसी से बात हो रही थी, तो एक सुशिक्षित परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है, दोनों पति पत्नी, उनके बच्चे सब वेल सेटल्ड है। वहाँ पर वो महिला कह रही थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे पति को बीच में कुछ हार्ट की बीमारी हो गई थी, हार्ट प्रॉब्लम हो गया था और फिर उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई, तो हम लोग बहुत डर गए, कह रही थी वो। अब देखिए, जब बीमारी होती है तो बीमारी का हल है इलाज करवाना, डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल में जाना, सर्जरी करवाना, ट्रीटमेंट लेना, मेडिसिन लेना, ये जो सारे इलाज है ये बाहर से हो सकते हैं। लेकिन जो बीमारी की वजह से मनुष्य को मन में अंदर ही अंदर डर लगता है, उस डर का, उस भय का कोई इलाज नहीं है। बाहर का कोई डॉक्टर उस भय के ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, वो बीमारी के ट्रीटमेंट कर सकता है। और अंदर का जो भय, अंदर की सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, अंदर का मत्सर, क्रोध, कामनाएं, असंख्य कामनाएं, इनकी ट्रीटमेंट हमें करनी है, इनकी मात्रा, इनकी इंटेंसिटी हमें कम करनी है। तो इस तरह हमारा वेदांत शास्त्र हजारों सालों से जो चला आ रहा है, इस वेदांत शास्त्र का, भगवद गीता का आधार लेना हमारे आज के जीवन में विशेषतः बहुत आवश्यक हो गया है। छोटी छोटी बातों पर जो हमारे झगड़े होते हैं, वाद होते हैं, उन सारी बातों की इंटेंसिटी कम होने के लिए इस तरह गीता का अभ्यास आवश्यक है। हमने 13वें श्लोक में देखा था कि भगवान ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने चातुर्वर्ण्यम, एक 4 वर्णों की रचना की,
वर्ण ये जो शब्द है ये बहुत विवादास्पद शब्द है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल शब्द है। इसका अर्थ हमने देखा था कि वर्ण का अर्थ है मुख्यतः प्रवृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति, क्षत्रिय वृत्ति, वैश्य वृत्ति और शूद्र वृत्ति। इन चारों वृत्तियों के लोग समाज में होना आवश्यक है, ये समाज की संरचना के लिए। केवल भारत में नहीं, हम लोग किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी समय में देखें तो इस तरह चार प्रवृत्तियों के, अलग अलग विभिन्न प्रवृत्तियों के लोग समाज में होते हैं। ब्राह्मण वर्ण जब कहते हैं तो ब्राह्मण वृत्ति के लोग जो अंतर्मुख होते हैं, पढ़ाई करना अच्छा लगता है, लिखना पढ़ना अच्छा लगता है, अध्ययन अध्यापन, किसी बातों का बहुत गहराई में जाके विचार करना, संशोधन करना, ये सारे ब्राह्मण प्रवृत्ति के लक्षण हैं। प्रशासन संरक्षण करना, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना, सज्जनों का रक्षण करना वगैरह, ये सारे क्षत्रिय वृत्ति के कर्म हैं। मुख्यतः अर्थार्जन से संबंधित जो बातें हैं, धन की निर्मिति, कोई बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा करना, बिजनेस स्टार्टअप या फिर खेती करना, गोरक्षण करना, ये सारे वैश्य वृत्ति के लक्षण हैं। और मुख्यतः शारीरिक कर्म, सेवा कर्म या फिर कोई यांत्रिक काम करना, बोझा उठाना, साफ सफाई करना, जैसे सर्विस इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, शारीरिक काम जिसमें इन्वॉल्व है, वो शूद्र वृत्ति के हैं। इसमें से कोई एक वर्णन, कोई एक वृत्ति अधिक श्रेष्ठ है, दूसरी कनिष्ठ है, ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं। लेकिन समाज सुचारू रूप से चलने के लिए ये चारों प्रवृत्तियों के लोगों का होना आवश्यक है। भगवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि गुण कर्म विभागशः, इस तरह जो चारों वर्णों की निर्मिति हुई है ये मनुष्यों के गुणों के अनुसार या फिर उनके कर्मों के अनुसार ये विभाजन होता है। भगवान ने कहीं पर नहीं लिखा कि मनुष्य के जन्म के अनुसार उसके वर्ण की निश्चिति होती है। तो ये गुण कर्म विभागशः है, बहुत महत्वपूर्ण बात। और इतनी बड़ी सृष्टि निर्माण करने के पश्चात और उसकी इतनी सारी व्यवस्था लगाने के पश्चात भी भगवान कहते हैं कि मुझे इस कर्म का बंधन नहीं होता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे इन कर्मों का लेप नहीं होता, मुझे इन कर्म के फलों से कोई अपेक्षा भी नहीं, आशा भी नहीं है। तो हम लोगों ने इसका थोड़ा सा विचार किया था कि भगवान को, ईश्वर को अपने मूल निर्गुण स्वरूप का अखंड स्मरण है, अखंड स्वरूप क्या, अपने निर्गुण स्वरूप जो अकर्ता है, निष्क्रिय है, जो कोई काम नहीं करता, वो अपना मूल परमात्मा स्वरूप भगवान को अच्छी तरह से स्मरण है, अनुसंधान है, वही उनकी स्थिति है। इसलिए भगवान जानते हैं कि ये सारा सृष्टि निर्मिति का, सृष्टि स्थिति का और सृष्टि के प्रलय का कर्म जिस परमात्मा के अधिष्ठान पर हो रहा है वो परमात्मा मैं हूँ, ये भगवान को अच्छी तरह से पता है। इसलिए उन्हें उन कर्मों का अहंकार नहीं होता, कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता, फल की अपेक्षा नहीं है, भगवान का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। भगवान के जन्म कर्म दोनों ही दिव्य है। हम लोगों ने एक भगवान श्री कृष्ण जी की कथा देखी थी कि कैसे वो नित्य ब्रह्मचारी है, और दुर्वास ऋषि की कथा देखी थी कि कैसे वो नित्य उपवासी है। तो शरीर से भले ही इतने बड़े काम कर रहे हैं लेकिन मन से अखंड स्वरूपानुसंधान में है, इसलिए उन्हें उन कर्मों का लेप नहीं लगता। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनका हमने 13, 14, 15 इन तीन श्लोकों में विचार किया, और आज हम लोग 16वें श्लोक में आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 16, 17 और 18 ये भगवद्गीता के चौथे अध्याय के बहुत तत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण श्लोक माने गए हैं। और भी सारे श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोक का जब हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं तो यही बात कहते हैं कि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन तत्व दृष्टि से समझने के लिए कठिन और अपने दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए आवश्यक, ऐसे ये तीन श्लोक। इसमें से 16 और 17 श्लोक ये मुख्यतः बैकग्राउंड सेटिंग करने वाले श्लोक हैं। प्रत्यक्ष जो तत्वज्ञान की बात है वो 18वें श्लोक में कही गई है। तो हम लोग पहले श्लोक 16 और 17 पढ़ते हैं, उनका अर्थ देखते हैं और फिर उनका विवेचन देखेंगे। भगवान कहते हैं, किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यश ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः।
तो भगवान कहते हैं तीन बातों का ज्ञान होना मनुष्य को, साधक को आवश्यक है। किं कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्म, अकर्म क्या है, इस विषयों के बारे में, इन दो विषयों के बारे में कवयोपि अत्र मोहितः। कवि शब्द का अर्थ है यहाँ पर विद्वान, बुद्धिमान, विचारवंत लोग। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, इनके बारे में विद्वानों को भी निश्चित निर्णय करना संभव नहीं होता, वो मोहित होते हैं। तत् ते कर्म प्रवक्षामि, प्रवक्षामि मतलब विशेष रूप से अब मैं प्रबोधन करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, अब इन कर्म और अकर्म, इन संकल्पनाओं का मैं तुम्हें विशेष रूप से प्रबोधन करता हूँ, यज ज्ञात्वा, जिसे जानने के पश्चात मोक्ष से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, अशुभात, सारी जीवन में जो अशुभ बातें हैं उनसे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। फिर 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम मतलब जानने के लिए योग्य है। कौन से तीन बातें जानने के लिए योग्य है, कर्म, विकर्म और अकर्मणश्च बोद्धव्यम। इन तीनों संकल्पनाओं को तुम अच्छी तरह से समझ लो, क्यों, क्योंकि गहना कर्मणो गति ही। कर्म के प्रणाली का एक बहुत सुंदर सिद्धांत यहाँ पर भगवान बताने जा रहे हैं, और उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड सेटिंग करते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों संकल्पनाओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अभी अभी हमारा भगवद्गीता के 4थे और 5वें अध्याय पर एक अभ्यास वर्ग हुआ था, उसमें हमने इन तीनों श्लोकों का विचार किया था। जो लोग उस वर्कशॉप में, उस अभ्यास वर्ग में आए थे, उन्होंने ये सारी बातें वहाँ पर सुनी होगी। उन्हीं बातों को आज हम लोग फिर से दोहराने जा रहे हैं। जो नए लोग हैं वो पहले से सुन सकते हैं, जिन लोगों ने ये बातें सुनी है उन लोगों के लिए रिविजन हो जाएगी। कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीन महत्वपूर्ण शब्द है। अलग अलग टीकाकारों ने अपने अलग अलग ग्रंथों में इसका अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ किया है, तो जो टीका आप पढ़ रहे हो उसके अनुसार इनके इंटरप्रिटेशंस अलग अलग होना संभव है। यहाँ पर हम लोग जो अभ्यास करेंगे वो मुख्यतः भगवान शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार हमारा अभ्यास होने वाला है। और इन तीनों श्लोकों का एक वैशिष्ट्य है कि जिन महात्माओं ने प्रत्यक्ष आत्मानुभव लिया है, वो महात्मे दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार कैसे करते हैं, कौन से दृष्टिकोण से करते हैं, उनकी मनोरचना कैसी होती है, उनकी भूमिका कैसे होती है, उनका व्यवहार कैसे होता है, इन सारी बातों का रहस्य हमें यहाँ पर भगवान बताने वाले हैं। और इन बातों को पढ़ाने के लिए भगवान एक विशेष प्रबोधन पद्धति का इन तीन श्लोकों में, 18वें श्लोक में मुख्यतः उपयोग करते हैं। उसे कहते हैं विरोधाभासात्मक विधान। विरोधाभास माने पैराडॉक्स, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट का उपयोग करके भगवान इस कर्म के रहस्य को हमें समझाने वाले हैं। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट कौन सा है कि जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान कहलाता है। आगे 18वें श्लोक में ये विषय आने वाला है। 16वें 17वें में केवल बैकग्राउंड है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा 18वें श्लोक का आधार लेके ये विचार कर रहे हैं कि वही मनुष्य बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। पहली बार जब हम लोग ये विधान सुनते हैं तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि क्या एग्जैक्टली भगवान क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर बैठ कर मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो मैं काम कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, चल रही हूँ, तो ये सारे काम है, इन कामों में अकर्म देखना कैसे संभव है। अब एक जगह पे मैं शांति से बैठी हूँ तो मैं बैठी हूँ, वहाँ पर काम देखना कैसे संभव है। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, ये किस तरह की पहेली है। तो पहले ये विचार करते हैं कि भगवान ने इस तरह के विरोधाभासात्मक विधान का उपयोग किया क्यों, ये करना किस लिए आवश्यक है शास्त्रकारों के लिए। जिस तत्व का अनुभव लेने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं, गीता के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, किसी भी वेदांत ग्रंथ के अभ्यास के माध्यम से जो अभ्यास हम लोग यहाँ पर करना चाहते हैं, वो तत्व इंद्रियातीत है, इंद्रिय अगोचर है। बहुत बार हमने इस बात का विचार किया है, इंद्रिय अगोचर, हमारे 5 इंद्रियों से इनका रूटीन पद्धति से ज्ञान नहीं होता।
केवल ज्ञान नहीं होता ये बात नहीं, लेकिन इस तत्व को समझने के लिए और समझाने के लिए वाणी का और शब्दों का प्रयोग करना भी अत्यंत कठिन है। अव्यपदेश्य मांडुक्य उपनिषद में इसके लिए एक शब्द आया है आत्मतत्व के लिए कि अव्यपदेश्य, मतलब माने शब्दों से जिसको वर्णन करना संभव नहीं है। और शब्दों से जो वर्णन करना संभव नहीं है उसको वर्णन करना, उसको समझना, उसको समझाना, प्रत्यक्ष उसका अनुभव लेना और दूसरी पीढ़ी को, दूसरे लोगों को ये ज्ञान शब्दों के माध्यम से संक्रमित करना, ये बहुत कठिन और आह्वानात्मक कार्य है। इस कार्य के लिए शास्त्रकारों ने अनेक अलग अलग टेक्निक्स का उपयोग किया है, जिसमें से एक टेक्निक है विरोधाभास माने पैराडॉक्स का उपयोग करना, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। केवल ये एक 18वां श्लोक नहीं तो भगवद गीता में और बाकी उपनिषदों में अनेकानेक ऐसे विधान हमें मिलेंगे जिसमें इस पैराडॉक्स का उपयोग किया है। तत् एजति तत् न एजति, ईशावास्य उपनिषद में मंत्र आता है कि वो चलता भी है वो नहीं भी चलता, वो सारे प्राणियों के अंतर्गत भी है और सबके बाहर भी है। समर्थ रामदास स्वामी है वो कहते हैं हमारे मराठी के ग्रंथ में कि जे शब्दास आकलेना परि शब्दे वीण सहसा कलेना, शब्दों के माध्यम से जिसका आकलन नहीं होता लेकिन शब्दों के बिना भी जिसका आकलन नहीं होता, ऐसे मन वाणी और इंद्रिया इन तीनों के कक्षाओं के परे जो तत्व है वो आत्मा नाम का तत्व। इसका अनुभव लेना, ये ज्ञान संक्रमित करने के लिए थोड़ा अलग अलग पद्धतियों से विचार करने की आवश्यकता होती है। एक परंपरागत जो विचार पद्धति है, ट्रेडिशनल रूटीन वे ऑफ थिंकिंग, उसे बाजू में रख के थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए, हमें हमारे विचारों को चालना देने के लिए इस तरह के कुछ अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पर शास्त्रकार उपयोग करते हैं। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य का वर्णन करने से पहले भगवान यहाँ पर एक बात कहते हैं महत्वपूर्ण कि गहना कर्मणों गति है। क्यों इस तरह का पैराडॉक्स उपयोग करना आवश्यक है? क्योंकि जिस कर्म तत्व के बारे में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं उस कर्म की गति बहुत गहन है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विचारवंत इसके बारे में निर्णय नहीं कर सकते। तीसरे अध्याय में हमने कर्म का विस्तार से विचार किया था, सारी बातों को आज दोहराएंगे नहीं, बस एक थोड़ा सा क्विक रिविजन करते हैं कि जो काम मनुष्य जन्म में शरीर के माध्यम से जागृतावस्था में जानबूझकर होते हैं उन्हें कर्म के भाषा में कर्म कहते हैं, उन्हें कर्म सिद्धांत की भाषा में कर्म कहते हैं। वैसे तो हम लोग मन से भी विचार करते हैं, वाणी से बोलते हैं, शरीर से कर्म करते हैं। कर्म का सिद्धांत है, बहुत बार हमने विचार किया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप काम करोगे, कौन सा काम? शरीर के माध्यम से मनुष्य जन्म में जागृतावस्था में जानबूझकर जो भी आप काम करोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, उसका फल आपको एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा। कभी वो फल आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा, कभी कुछ महीनों बाद, कभी कुछ सालों बाद, कभी कई जन्मों बाद वो फल आपको भुगतना पड़ेगा। ये कर्म का सिद्धांत है। इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि कौन से कर्म का फल कब, किस समय, कहाँ पर, किस परिस्थिति में, कितनी मात्रा में और कौन से स्वरूप में मनुष्य के सामने आएगा, इसका निर्णय मनुष्य बुद्धि से करना संभव नहीं है। मनुष्य इसका निर्णय नहीं कर सकता कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है। महाभारत के समय याद कीजिए, जब द्यूत क्रीड़ा चल रही थी और द्रौपदी को दांव पर लगाया, बाद में धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए, तब द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में लाया गया और द्रौपदी ने अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग है, पितामह भीष्म थे वगैरह, उनके सामने खड़े रहकर प्रश्न पूछा, ये हक किसने दिया? धर्मराज युधिष्ठिर को यह हक किसने दिया? कौन से शास्त्र ग्रंथ में लिखा है कि पति अपने पत्नी को दांव पर लगा सकता है? क्या ये सत्कर्म है? क्या ये दुष्कर्म है? क्या ये शास्त्रों में अलाउड है? शास्त्रों में अलाउड नहीं है? इसका निर्णय कौन करेगा? क्योंकि तब तक ऐसी बात पहले कभी हुई नहीं थी, किसी पति ने अपने पत्नी को इस तरह द्यूत में दांव पर नहीं लगाया था। तो इस कर्म का निर्णय कौन करेगा?
और केवल द्रौपदी के समय की वो बात नहीं, आज हम लोग हमारे भी जीवन में विचार करें तो हमेशा समय समय पर ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे काम होते हैं कि जो काम अच्छे हैं या बुरे हैं, वो निर्णय मेरा करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, इसका निर्णय कौन कैसे लगाएगा। पुराने ज़माने में देखिए कि ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, इनका काम होता था कि लोगों के घर में जाके पूजा पाठ करना, हवन करना, यज्ञ वगैरह करना। अब ये जो काम है, ये ट्रेडिशनल सिस्टम के अनुसार ये एक ऐसी मान्यता थी समाज में कि इसके लिए ब्राह्मण स्वयं होकर पैसे कोई चार्ज ना करे, लेकिन जिस यजमान के घर में जाता है वो यजमान यथाशक्ति अपने अनुसार उस ब्राह्मण को उस पूजा पाठ के लिए, उस जो भी विधि वो कर रहा है पंडित को, उसके लिए दान दे दे, उसके लिए दक्षिणा दे दे। तो यजमान अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करता था और यजमान जितनी दक्षिणा देते हैं उनके अनुसार उन पंडितों का, ब्राह्मणों का व्यवहार चलता था। पुराने ज़माने में ये सिस्टम ठीक ठाक चल रही थी। अब आज हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए ये सारे लोग पैसे चार्ज करते हैं, हमें पैसे देने पड़ते हैं। पैसे क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि पहले जिस तरह यजमान देते थे दक्षिणा, उस तरह से अब दी नहीं जाती, या फिर देते हैं तो बहुत वो कम होती है। बाहर इन्फ्लेशन बहुत हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, तो पंडितों को, ब्राह्मणों को भी अपना जीवन चलाना है, चरितार्थ चलाना है, इसलिए वो पैसे चार्ज करते हैं। अब इस तरह ये जो काम है, ये सत्कर्म है या दुष्कर्म है, इसका निर्णय कौन करेगा? इस तरह से जो है ये पुण्य का कर्म है, पाप का कर्म है, इसका निर्णय कौन करेगा? पुराने ज़माने में उपवास करते समय केवल दूध और फल खाकर उपवास होते थे। आज के ज़माने में हम लोग उपवास करते हैं तो 50 चीज़ें खाते हैं, उपवास का ढोकला खाते हैं, कचौरी खाते हैं वगैरह। तो आज के ज़माने में हम लोगों को चाय कॉफ़ी भी चलती है। ये जो नई उपवास की परिभाषा है, एकादशी के दिन, चतुर्थी के दिन, इस तरह से उपवास करना योग्य है या अयोग्य है, ये निर्णय मानवीय बुद्धि से करना संभव नहीं है। इस तरह से अगर मैंने उपवास किया तो मुझे पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? अगर पुण्य लगा तो उसका फल कब, किस स्वरूप में मिलेगा? पाप हुआ तो उसका फल मुझे कब, कैसे मिलेगा? ये सारे निर्णय मनुष्य नहीं कर पाता, या फिर मनुष्य ने किए तो उसके अनुसार उसे वो फल नहीं मिलते, इसलिए महत्वपूर्ण बात है। और कई बार हम लोग ये देखते हैं कि समाज में आज जितनी विषमता है उसका उगम इस कर्म की प्रणाली में है। अत्यंत सदाचारी लोग, लेकिन उन्हें अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। अत्यंत दुराचारी लोग, लेकिन दुराचारी होते हुए भी वो अत्यंत मज़े से बिल्कुल राजाओं की तरह जीवन में, इस समाज में रहते हैं। तो सदाचारी लोगों के साथ ये सब क्यों होता है, दुर्जन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? इन सारी बातों का निर्णय करने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें अर्जुन और तुम्हारे जैसे सामान्य लोगों को ये बातें समझ में आना कठिन है, लेकिन क्या करना संभव है? तो इस गहन कर्म की गति से छूटने के लिए, इन कर्मों के बंधन से छूटने के लिए, इन कर्मों के बंधन से छूटने के लिए अब मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, कर्म करने की एक विशिष्ट पद्धति बताता हूँ, एक विशिष्ट विचार की पद्धति बताता हूँ। उस युक्ति का, उस विचार पद्धति का उपयोग करके अगर तुम कर्म करोगे तो फिर मोक्ष से अशुभात, ये जो अशुभ है जीवन में, जो भी अशुभ है उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। योग्य पद्धति से कर्म करोगे तो तुम्हारे मन में कोई संदिग्धता नहीं होगी, ये करूँ या वो करूँ, ये सही है वो सही है, ये गलत है वो गलत है। आए दिन हमारे मन में द्वंद्व रहते हैं, बिन जब हमारे पास जीवन में चॉइस होता है, और हमेशा चॉइस होता है, तो ये करूँ या वो करूँ, ये जो संदिग्धता मन में है, इसके लिए भगवान कहते हैं कि मन में तुम्हारे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कोई संदिग्धता नहीं रहेगी। इसके लिए जो आवश्यक युक्ति है वो युक्ति मैं अब तुम्हें बताऊँगा। इस युक्ति से कर्म करोगे तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा? मोक्ष से अशुभात। जीवन में अशुभ से, जो भी अशुभ तुम आज झेल रहे हो, जिस अशुभ के बंधन में तुम अटके हुए हो, उस अशुभ से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अशुभ ये हमारे परिचय का शब्द है और बहुत ट्रेडिशनल कुछ हमारी सेट डेफिनेशंस है। भगवान के सामने जब दिया जलता है,
गलती से अगर झोंका आ गया, हवा का झोंका आ गया आरती करते हुए, वो अगर दिया बुझ गया तो हम लोग कहते हैं बहुत बड़ा कुछ अशुभ हो गया। कई सारे लोगों के घरों में ऐसा हुआ है कि अगर गलती से काम करते हुए भगवान की तस्वीर मानो गिर गई दीवार से और उसमें बहुत बड़ा क्रैक आ गया, या फिर मूर्ति भंग हो गई गलती से, कोई डेलिब्रेटली तो ऐसी बातें नहीं करता, तो लोगों को लगता है कि अब बहुत बड़ा कुछ अशुभ जीवन में होने वाला है। बिल्ली देखी, चिपकली देखी वगैरह, तो बहुत सारे ऐसे हमारे कंसेप्शंस होते हैं कि जो अशुभ है, बिल्ली गई वगैरह, कोई व्यक्ति हमारे दृष्टिकोण से अशुभ होता है, दक्षिण दिशा अशुभ होती है, अमावस्या की रात अशुभ होती है, ये सारे व्यावहारिक अशुभ की संकल्पनाएँ हैं। भगवान यहाँ पर जिस अशुभ की बात कर रहे हैं वो ये व्यावहारिक अशुभ नहीं है। मुख्य अशुभ हमारे जीवन में है कि हम लोग बंधन में हैं, और ये इतना विचित्र बंधन है कि हम लोग बंधन में हैं ये भी हमें पता नहीं। इस तरह से ये अत्यंतिक विचित्र बंधन में हम लोग अटके हुए हैं। कौन सा विचित्र बंधन है? तो मैं देह हूँ, जग सत्य है और मैं कर्ता भोक्ता हूँ, इन तीन ग्रंथियों में हम लोग लिप्त है, इन तीन ग्रंथियों से हम लोग बंधे हुए हैं। बाहर अगर कोई व्यक्ति आकर मुझे पकड़ता है, मेरे हाथ बांधता है, मुझे किसी रूम में लॉक कर देता है, तो मैं प्रयास करके उस बंधन से बाहर निकलने का प्रयास मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है किसी ने मुझे बांध के रखा है, किसी ने मुझे लॉक करके रखा हुआ है। लेकिन जो अंदर के बंधन है वो बंधन है ये भी हमें समझ में नहीं आता। मूल मेरा स्वरूप है असीम अनंत परमात्मा, वो होते हुए भी मैंने अपने आप को इस 5 फुट के देह में कैद करके रखा है, यही मेरी आइडेंटिटी है। मैं अपने आप को मुक्ता मानती हूँ, स्त्री मानती हूँ, महिला मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं हैदराबाद में रहती हूँ। व्यावहारिक सत्ता में ये सब ठीक है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टिकोण से जितनी मेरी मर्यादित सोच उतना वो बंधन अधिक है। बंधन अधिक क्यों है? क्योंकि जब इस 5 फुट के देह के साथ मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे अपने मन में अनेक दुख होते हैं, अपूर्णता लगती है, मत्सर होता है, क्रोध होता है। हमने भय का उदाहरण देखा था कि इस देह को अगर कुछ बीमारी हो गई तो हम लोग भयभीत हो जाते हैं, चिंता करते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा संसार, मेरी गृहस्थी, मैं मेरा मेरा, जितना हमारा अधिक है उतना भय अधिक, उतना बंधन अधिक, उतना अशुभ अधिक। इस अशुभ की मात्रा से, इस अशुभ से हमें मुक्ति दिलाने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्त होना आवश्यक है, और कर्म बंधन से मुक्ति होने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है। वो विशिष्ट दृष्टिकोण कौन सा है वो भगवान हमें अब आने वाले इस 18वें श्लोक में बताएंगे। इस 18वें श्लोक का हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। 18वां श्लोक है जो महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। कर्मणि अकर्म यः पश्येत, कर्मणि मतलब कर्म में, अकर्म जो कर्म देखता है, पश्यति मतलब देखता है, कर्म करते समय जो अकर्म देखता है, और अकर्मणि च कर्म यः, तथा कर्म न करने में भी कर्म का होना जो जानता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु, वही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही समस्त मनुष्यों में कर्म करते हुए साम्य योगी है। बहुत सुंदर एक विचारधारा है, इसे थोड़ी कठिन है, हम लोग इसे आसान करके समझने का प्रयास करते हैं। भगवान का मार्गदर्शन है, और ये जो तीन शब्द है जिसे मैंने कहा था, इन तीन शब्दों के बहुत अलग अलग अर्थ अलग अलग टीकाकारों ने दिए हुए हैं। आज हम लोग जो अभ्यास करेंगे, देखिए एक बात को नोट कीजिए, भगवान ने 17वें श्लोक में केवल एक ही श्लोक में भगवान ने विकर्म इस शब्द का उपयोग किया हुआ है, तो 16, 17, 18 में कर्म और अकर्म ये दोनों शब्द आते हैं, और 17वें श्लोक में विकर्म ये शब्द आता है। विकर्म शब्द का अर्थ है निषिद्ध कर्म, विपरीत कर्म, अयोग्य कर्म। कर्म शब्द का अर्थ है जो हमने अभी देखा था
कि मनुष्य जन्म में शरीर के माध्यम से जागृतावस्था में जानबूझकर जितने काम हम लोग करते हैं, जिनका हमें बंधन होता है, उन्हें कर्म कहते हैं। अकर्म मतलब सामान्य परिभाषा में कोई काम न करना, बिल्कुल स्थिर निश्चल अवस्था में बैठना, बिल्कुल स्थिर बैठना। और विकर्म शब्द का अर्थ है निषिद्ध कर्म या फिर विपरीत कर्म। पुराने जमाने में धर्म ग्रंथों में इस तरह की परिभाषा दी गई थी कि सुरापान करना निषिद्ध कर्म है, मांस भक्षण करना वगैरह। और वो किसके लिए कौन सा कर्म निषिद्ध है, इसकी अलग अलग परिभाषा हमारे पुराने ग्रंथों में दी गई है। उस तरह से निषिद्ध कर्मों को मानने वाले लोग आज नहीं रहे, वो समाज व्यवस्था भी आज नहीं रही। और निषिद्ध कर्म विपरीत कर्म, इनका भगवान ने इन तीनों श्लोकों में ज़्यादा विचार नहीं किया है, मुख्यतः कर्म और अकर्म की बातें की है। तो हम लोग भी हमारा जो विवेचन है वो मुख्यतः कर्म और अकर्म के बारे में करेंगे, विकर्म का अधिक विचार नहीं करेंगे। तो भगवान ने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, भगवान के दृष्टिकोण से बुद्धिमान कौन है उसका थोड़ा सा विचार करते हैं। बुद्धिमान भगवान के दृष्टिकोण से बुद्धिमान कौन है? देखिए, बुद्धिमान की व्यवहार में हमारी जो परिभाषा है वो व्यावसायिक यश प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़ी उन्होंने फैक्ट्री शुरू कर दी, बहुत मिलीनियर बिलीनियर बन गया, तो हम लोग कहते हैं बहुत बुद्धिमान है। किसी को बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई, पढ़ाई करते हुए 98, 99, 100% मार्क्स आए, तो हम लोग कहते हैं बहुत बुद्धिमान है, PhD किया वगैरह, ऑक्सफोर्ड में गए, MIT में गए, IIT में गए, तो बहुत बुद्धिमान है। व्यावहारिक स्तर से इस तरह की बुद्धि होना अच्छी बात है, वो बिल्कुल आवश्यक है। भगवान यहाँ पे ये नहीं कहते कि तुम व्यवहार में बिल्कुल निर्बुद्ध की तरह अपना व्यवहार करो, मूढ़ व्यक्ति की तरह रहो, ऐसी भगवान ने कोई बात नहीं कही थी। लेकिन व्यवहार में जो बुद्धिमान है, व्यवहार में जिसकी IQ बहुत बड़ी है, वो व्यक्ति परमार्थ के दृष्टिकोण से बुद्धिमान हो ये आवश्यक नहीं है। व्यवहार में जो बुद्धिमान है वो परमार्थ में बुद्धिमान हो भी सकता है, लेकिन बुद्धिमान हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि परमार्थ की बुद्धि अलग तरह से काम करती है। और वो जो बुद्धि है उसकी व्याख्या, उसकी परिभाषा हमें भगवान यहाँ पर बताते हैं। बहुत सारे माता पिता है जो अपने बच्चों को बुद्धिमान करने के लिए बहुत प्रयास लेते हैं। महाराष्ट्र में मुझे किसी ने दिखाई थी कि किताब है छोटी सी, घरों घरी ज्ञानेश्वर जन्मती, शायद ऐसा कुछ उसका नाम था, कि अगर आप जब माता होती है अपने बच्चे के पेट में रहते हुए अगर इस तरह के मंत्र पढ़ेगी, इस तरह के कुछ ग्रंथ शास्त्र पढ़ेगी वगैरह, अब मुझे ठीक से याद नहीं है, तो उसका जो बेटा है वो संत ज्ञानेश्वर जैसे बनेगा। या फिर पाश्चात्य देशों में बेबी आइंस्टाइन, बेबी मोजार्ट वगैरह बनने के लिए बचपन से बच्चों को ट्रेनिंग देने की एक फैशन है। इस तरह के प्रयास बहुत सारे माता पिता करते हैं, तो ये अच्छी बात है, प्रयास थोड़े बहुत करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस तरह माता की किताबें पढ़ने से बच्चे में बुद्धि ज़्यादा आने वाले नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। थोड़े बहुत संस्कार अवश्य होते हैं, लेकिन इस तरह से किताबें पढ़ने से कोई आइंस्टाइन होने वाला नहीं है, इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करने से कोई संत ज्ञानेश्वर होने वाला नहीं है। तो बुद्धिमान होने की हमारी परिभाषा और भगवान की परिभाषा, इसमें बहुत फर्क है। व्यवहार की बुद्धि अलग है और परमार्थ की बुद्धि की परिभाषा यहाँ पे भगवान समझाते हैं कि वो मनुष्य जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। ये जो विधान है इसे थोड़ा सा अनफोल्ड करने का प्रयास करते हैं, इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक बात है जिसको हमने पिछले 14वें 15वें श्लोकों में भी हमने इसका विचार किया था, दूसरे और तीसरे अध्याय में भी कर्म के इस प्रणाली का हमने विचार किया हुआ है। आज इसकी थोड़ी सी रिविजन करते हैं कि कोई भी कर्म करते समय चार चीज़ें हैं। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन को ज़बानी याद कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह कर्म की प्रणाली का ये इक्वेशन हम लोग ज़ुबानी याद कर ले। भले ही आज हमें ये समझ में ना आए, भले ही आज हम लोग इससे कन्विंस ना हो, भले ही हमें ये हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में याद ना रहे, लेकिन एक शुरुआत के तौर पर
इस एक इक्वेशन की तरह हम लोग जबानी याद कर ले। इक्वेशन क्या है कि कोई भी कर्म करते समय शरीर करण है, करण शब्द का अर्थ है साधन, कोई भी कृति करने के लिए शरीर करण है, कर्ता जीव है, कारयिता माने करवाने वाला ईश्वर है, और अकर्ता ब्रह्म अधिष्ठान है, जिस अधिष्ठान पर, जिस अकर्ता ब्रह्म के अधिष्ठान पर जीव, ईश्वर और शरीर ये तीनों घटक काम करते हैं। फिर एक बार मैं दोहराती हूँ कि कोई भी कृति करते समय शरीर करण है, जीव कर्ता है, ईश्वर कारयिता है और ब्रह्म नाम का तत्व अकर्ता है, जो अधिष्ठान के स्तर पर अधिष्ठान के रूप से काम करता है, और इस परब्रह्म रूपी अधिष्ठान पर जीव, शरीर और ईश्वर काम करते हैं। वेदांत शास्त्र का मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक जीव मूलतः ब्रह्मरूप है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, यह हमारा सिद्धांत है कि प्रत्येक जीव जो शरीर के माध्यम से काम करता है वो मूलतः ब्रह्मरूप है, माने मूलतः वो स्वयं अकर्ता है, निष्क्रिय है। उस जीवात्मा को अपने मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं, वो मूल स्वरूप के बारे में अज्ञानी है, इसलिए इस 5 फुट के शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है और उसी की वजह से उसी कारण के वश जीवन में हमारे सारी समस्याएं हो रही है। समझने का थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। व्यवहार में देखिए, सबसे पहला स्तर है, कोई भी एक विधान ले लेते हैं कि मैं चल रही हूँ, तो वास्तविक में चलने का काम करने वाले कौन है? पहला स्तर है, चलने का काम करने वाले मेरे शरीर के 2 अवयव माने 2 पैर है, पैर चलते हैं और मैं कहती हूँ कि मैं चल रही हूँ। अब देखिए, मूलतः शरीर हमारा वेदांत शास्त्र के दृष्टिकोण से अचेतन है, जड़ अचेतन है, इनसेंशियंट है। किस तरह अचेतन है कि जिस तरह ये टेबल अचेतन है, टेबल को भी 4 पैर हैं लेकिन टेबल एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर जा नहीं सकता। जिस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ उस कुर्सी के भी 4 पैर हैं, उस कुर्सी के 2 हाथ हैं, लेकिन कुर्सी अपने हाथों से उठाकर कुछ ले नहीं सकती, यहाँ की वस्तु वहाँ पर रख नहीं सकती। तो टेबल और कुर्सी जितने अचेतन हैं उतना ही मूलतः हमारा शरीर अचेतन है, ऐसा वेदांत शास्त्र का एक कहना है, एक सिद्धांत है। इसके बारे में हमने 2-3 अध्याय में थोड़ा विचार किया है, आज और थोड़ा सा विचार करते हैं कि ऐसा क्यों कहा है, शरीर को अचेतन क्यों कहा है। देखिए, शरीर हमारा चेतन होता अगर तो व्यक्ति जब मृत होती है, मृत व्यक्ति जिसका शरीर, जिसकी डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी है, वो डेड बॉडी अपने आप उठकर चल क्यों नहीं सकती, अपने आप उठकर खाना नहीं खा सकती, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती। वही देह है, वही अवयव है, वही इंद्रिय है, वही हमारे सामने पड़ा है, लेकिन उसमें से एक ऐसा चेतन तत्व है जो उस समय उस शरीर से बाहर निकल गया, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अगर देह स्वयं बाय इट्सेल्फ चेतन होता तो वो चैतन्य शरीर को छोड़कर कहीं पर नहीं जाता, लेकिन मनुष्य का जब जन्म होता है तो वो चैतन्य अंदर आता है, कुछ समय के लिए चेतना उस शरीर में रहती है, कुछ समय के पश्चात चेतना उस शरीर को छोड़कर चली जाती है। तो इसलिए देह बाय इट्सेल्फ अचेतन है और शरीर को चैतन्य प्रदान करने वाला कोई दूसरा एक तत्व इसके अंदर है, ऐसा वेदांत शास्त्र का मानना है, ऐसे वेदांत शास्त्र की मान्यता है। ये विचार करने का पहला स्तर है। तो पहले स्तर में हम लोग सोचते हैं, जो मूढ़ व्यक्ति है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, वो सोचता है कि मैं देह हूँ, जब देह चलता है तो मैं चलती हूँ, देह बोलता है तो मैं बोलती हूँ, देह सुनता है तो मैं सुनती हूँ। वास्तविक में देह अचेतन है, वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उससे ये सारे काम करवाने वाला एक चेतन तत्व अंदर है। तो पहला स्तर है देह के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना, ये अज्ञान का स्तर है। दूसरे स्तर में शरीर का विचार करते समय हम लोग शरीर अचेतन है और उसके अंदर एक कोई चेतन तत्व है,
इन दोनों बातों को भिन्नता से देख पाते हैं, इनका हम लोग विचार कर पाते हैं। शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है उसे वेदांत की परिभाषा में जीव कहते हैं, उसे जीवात्मा भी कहते हैं, उसे जीव चैतन्य भी कहते हैं। कोई एक कार है, मान लीजिए कार तो अपने आप उठकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं सकती, कार के अंदर उसे उस कार के अंदर बैठकर उसे चलाने वाला, उसे स्टार्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाला कोई एक चेतन तत्व होना आवश्यक है। अब आप कह सकते हैं कि ड्राइवरलेस कार भी होती है, तो वो दृष्टांत एकदेशी होता है पहली बात, और ड्राइवरलेस कार अपने आप तो डिज़ाइन नहीं हुई, ड्राइवरलेस कार को भी डिज़ाइन करने वाला कोई एक चेतन मनुष्य ही था। तो मूल बात यहाँ पे हो रही है कि कार को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए उसके अंदर चेतन ड्राइवर का होना आवश्यक है। टेबल को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किसी एक चेतन मनुष्य का उस टेबल को उठाना और हिलाना आवश्यक है। बिल्कुल उसी तरह अचेतन शरीर को चेतना देकर उससे काम करवाने वाला अंदर एक चेतन तत्व होना आवश्यक है। उस चेतन तत्व को जीव या जीवात्मा या जीव चैतन्य कहते हैं। शास्त्र हमें कहता है, दूसरे अध्याय में हमने ये बात पढ़ी थी कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो इस शरीर में जीवात्मा प्रवेश करता है, जीवात्मा इस शरीर को धारण करता है, कुछ समय के लिए इस शरीर में रहता है और कुछ समय के पश्चात इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, इन सारी बातों का हम लोग अभ्यास कर चुके हैं, तो होपफुली ये सारी बातें सब लोगों को याद होगी दूसरे अध्याय में। तो पहली बात, शरीर अचेतन है, मैं शरीर हूँ इसलिए मैं काम करता हूँ, ये पहला स्तर। दूसरे स्तर में शरीर और जीवात्मा को हम लोग भिन्न भिन्न देख पाते हैं, और शरीर करण है, साधन है। जब मैं कहती हूँ कि मैं बेलन का उपयोग करके रोटी बनाती हूँ, तो बेलन अलग है, वो करण है, वो साधन है। बेलन का उपयोग करके मैं रोटी बनाती हूँ, बेलन जिस तरह एक साधन है, करण है, बिल्कुल उसी तरह ये शरीर, ये देह भी एक करण है, एक साधन है। अंदर बसा हुआ जीवात्मा इस शरीर का, माने करण का उपयोग करके सारे अपने काम करवाता है। इतना भी अगर हम लोग विचार कर पाए तो इस देह से थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, थोड़ा सा हम लोग इससे अलग हो पाते हैं। फिर मनुष्य को लगने लगता है कि ठीक है, देह अचेतन है, उसके अंदर एक जीवात्मा है, और इस देह के अंदर ये जो जीव चैतन्य है वो जीव चैतन्य मैं हूँ, ऐसा उसे लगने लगता है कि एक जो लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, लिमिटेड चैतन्य, मर्यादित चैतन्य जो इस देह के अंदर, इस मूर्ति के अंदर बसा हुआ है, वो मैं हूँ, वो मेरा मूल स्वरूप है। लेकिन वेदांत कहता है कि इतना मर्यादित ये छोटा सा 5 फुट का चैतन्य, ये भी तुम्हारा मूल स्वरूप नहीं है। अब इन सारी बातों का विस्तार से विचार करना इन श्लोकों का विषय नहीं है, हम लोग केवल इन्हें स्पर्श कर रहे हैं। एक देखिए कि प्रत्येक शरीर के अंदर जो जीवात्मा बसता है वो अपनी मर्जी से सारे काम करता है, ऐसा उसे भले ही लगता हो, लेकिन प्रत्येक जीवात्मा को प्रेरणा देने वाला, उसे एक विशिष्ट दिशा में प्रेरित करने वाला, एक विशिष्ट पद्धति से उसे काम करवाने वाला कोई एक और तत्व, हमारे शास्त्र में कहा है, उस तत्व को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, सारे प्राणी मात्रों के हृदय में ईश्वर नाम का तत्व रहता है, वो प्रत्येक जीवात्मा को एक विशिष्ट पद्धति से प्रेरणा देता है। कोई भी एक काम आप 4 लोगों को दे दे तो प्रत्येक व्यक्ति उस काम को अलग अलग पद्धति से करता है, अपनी अपनी प्रेरणा के अनुसार करता है। प्रत्येक व्यक्ति की पसंद नापसंद अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति की काम करने की पद्धति भिन्न भिन्न होती है। तो प्रत्येक जीवात्मा को अंदर से जो प्रेरणा मिलती है, प्रत्येक जीवात्मा को काम करने के लिए जो सामग्री मिलती है, जो परिस्थिति मिलती है, जो बुद्धि मिलती है, जो देह मिलता है, जो देह की क्षमता मिलती है, जो परिस्थिति, जो लोग उसके नसीब में आते हैं, वो सारी सामग्री उसे देने वाला और एक विशिष्ट प्रेरणा के अनुसार उससे काम करने वाला एक और तत्व है,
उसे ईश्वर कहते हैं, उसे कारयिता माने करवाने वाला कहते हैं। अब ईश्वर नाम का जो तत्व है वो सारे प्राणी मात्रों के कर्मों का हिसाब रखता है, हमारे यहाँ उसे कर्माध्यक्ष कहा जाता है, और प्रत्येक जीवात्मा को अपने अपने कर्म के अनुसार उसके फल भुगतने की व्यवस्था जो करता है उसे ईश्वर कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो शरीर, शरीर के अंदर बसा जीवात्मा और जीवात्मा को प्रेरणा देने वाला ईश्वर, जीवात्मा से काम करवाने वाला और उसे अपने कर्मों का भोग देने वाला ईश्वर, ऐसे ये तीन तत्व है। वेदांत शास्त्र आगे जाके कहता है कि ना तो मैं शरीर हूँ, ना तो मैं जीवात्मा हूँ, ना तो मैं ईश्वर हूँ, लेकिन शरीर, जीव और ईश्वर ये तीनों ही जिस अधिष्ठान पर काम करते हैं, जिस चैतन्य के अधिष्ठान पर काम करते हैं, वो परमात्मा, उसी को परब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, वो मूलतः अकर्ता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे उभौतौ न विजाने तो नायम हन्ति न हन्यते। दूसरे अध्याय के श्लोक याद कीजिए, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो फिर एक बार जाकर विवेचन सुनिए। उभौतौ न विजानितो नायम हन्ति, ये आत्मा मारता भी नहीं है, न हन्यते, वो मरवाता भी नहीं है किसी और से, स्वयं वो निष्क्रिय अधिष्ठान है, लेकिन उस आत्मा के होने से ही जीव, ईश्वर और शरीर ये तीनों एक्टिवेट होकर काम करते हैं। एक बहुत सुंदर शब्द है एक्टिवेट। मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं, इसकी वजह से सबको पता है कि मोबाइल फ़ोन का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, वो पूरी तरह से चार्ज्ड है, उसके अंदर सिम कार्ड है, सारा डेटा मैंने इंटर कर लिया, लेकिन जब तक वो सिम कार्ड एक्टिवेट नहीं होता तब तक उस मोबाइल फ़ोन का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। केवल चार्जिंग होने से काम नहीं चलता, केवल इंस्ट्रूमेंट होने से काम नहीं चलता, केवल डेटा होने से काम नहीं चलता। तो डेटा, इंस्ट्रूमेंट और सिम कार्ड, ये सब इनको एक्टिवेट होने के पश्चात ही ये जो संघात है मोबाइल फ़ोन का, ये जो कलेक्शन है, ये काम करने लगता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे शरीर में देह है, इंद्रिया है, मनोबुद्धि है, लेकिन इनको एक्टिवेट करने वाला एक चैतन्य जिसे अधिष्ठान चैतन्य कहते हैं, आत्म चैतन्य कहते हैं, उस आत्म प्रकाश के प्रकाश में, उस चैतन्य रूप के प्रकाश में ये सारे व्यवहार होते हैं। एक और उदाहरण हम लोग हमेशा ऐसे देखते हैं कि बिजली है, घर में जब बिजली होती है, बिजली के होने के वजह से अलग अलग उपकरण घर में काम करते हैं, पंखा हवा देता है, बल्ब रोशनी देता है, एसी कूल करता है, हीटर गर्म करता है। अब इसमें से एक भी काम बिजली स्वयं नहीं करती, बिजली गर्म नहीं करती, हवा नहीं देती, बिजली ठंडा नहीं करती, बिजली प्रकाश भी नहीं देती, लेकिन बिजली माने इलेक्ट्रिसिटी के होने से ये सारे काम होते हैं। तो बिजली काम नहीं करती, लेकिन बिजली के होने से सारे उपकरण काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह परमात्मा जो मूलतः चैतन्य स्वरूप है, जो व्यापक, निरपेक्ष व्यापक चैतन्य है, उन परमात्मा के होने से जीवात्मा, जीव चैतन्य काम करता है, ईश्वर चैतन्य काम करता है, ईश्वर प्रेरणा देता है, जीव वो प्रेरणा लेता है, जीवात्मा इस शरीर का उपयोग करके अपने सारे दिन प्रतिदिन के काम करता है। ऐसी एक जनरल प्रणाली है, ये बैकग्राउंड है ये श्लोक को समझने के लिए। शरीर करण, जीव कर्ता, ईश्वर कारयिता और परमात्मा अधिष्ठान, निष्क्रिय अधिष्ठान है। अब भगवान यहाँ पे कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य कौन सा है जो कर्म में अकर्म देखता है। कर्म में अकर्म देखना, इसका अर्थ क्या है कि बुद्धिमान मनुष्य ये जानता है, बुद्धिमान मनुष्य ये अच्छी तरह से जानता है कि ये देह के माध्यम से भले ही मैं सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन ये देह मैं नहीं हूँ। इस देह के अंदर रहकर जो जीवात्मा देह से ये सारे काम करवा रहा है, वो जीवात्मा भी मैं नहीं हूँ। जिस ईश्वर की प्रेरणा से ये सारे काम हो रहे हैं, वो ईश्वर भी मैं नहीं हूँ। परंतु जिस अधिष्ठान पर, बिजली की तरह, जिस चैतन्य के अधिष्ठान पर, जिस चैतन्य के प्रकाश में ये सारा व्यवहार हो रहा है, वो अधिष्ठान, वो निष्क्रिय आत्मा, वो अकर्ता आत्मा मैं हूँ। उसका मन, उसकी अंतःकरण वृत्ति
अपने इस स्वरूप स्थिति में रहती है, स्वरूप के अनुसंधान में रहती है। तो अपने मन से वो स्वरूप में स्थित होता है, लेकिन शरीर से बाहर अत्यंत कार्यक्षम है, सारे के सारे काम एकाग्रता से, फोकस से, एफिशिएंसी से, अपने शरीर के माध्यम से वो सारे काम करता है। तो कर्म में अकर्म देखना मतलब शरीर से सारे काम करना, लेकिन शरीर से काम करते हुए मन में अकर्ता आत्मा मैं हूँ इस भावना में स्थिर रहना। बुद्धिमान मनुष्यों के लिए ये उनकी सहजावस्था है। साधकावस्था में हमें ये विचार कृत्रिमता से करना पड़ता है, लेकिन सिद्धावस्था में ये उनकी सहज स्थिति हो जाती है। बड़े बड़े संत महात्माओं के अगर आप लोग चरित्र पढ़ेंगे तो संत महात्मा कहते हैं, हमारे समर्थ रामदास स्वामी ने कहा था, बहुत बड़े दासबाद की उन्होंने रचना की और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि सकल करणे जगदीशाचे तेथे कवित्वचे काय मानुषाचे, कि ये सारी जो ग्रंथ निर्मिति हुई है वो प्रत्यक्ष भगवान ने की है, ये मनुष्य बुद्धि का काम नहीं है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक स्वामी वरदानंद भारती है, बहुत बड़े संत हो गए, बहुत बड़े महात्मा। तो नांदेड़ नाम के एक जिले में गोरटे नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां पर ये स्वामी वरदानंद भारती अपने पूर्वाश्रम में संन्यास आश्रम लेने से पहले रहते थे। तब उनका नाम होता था आदरणीय श्री अनंत दामोदर आठवले, उन्हें अप्पा कहते थे। इनके गुरु हैं महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कवि दासगणु महाराज। तो दासगणु महाराज गुरु है और अनंत महाराज आठवले उनके शिष्य हैं। ऐसे महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध गुरु शिष्य की जोड़ी हमारे यहाँ मानी जाती है। गोरटे नाम का एक छोटा सा गांव, वहाँ पर उनका संस्थान था। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े उत्सव, जैसे कोई सप्ताह है, कोई बहुत बड़ा उत्सव, वहाँ पर वो लोग कंडक्ट करते थे, आयोजित करते थे। एक उनके किसी ग्रंथ में, उनके किसी किताब में मैंने ये कहानी पढ़ी थी कि 7 दिन के बहुत बड़े वर्कशॉप शिविर का आयोजन करने के पश्चात वहाँ पर लोग आते थे, 7 दिन रहते थे, खाना पीना होता था, भजन कीर्तन कुछ प्रवचन होते थे, सत्संग होता था, 7 दिन के बाद लोग चले जाते थे। तो पहले पहले के दिनों में जो ये अनंत महाराज है, जब वो शिष्य थे, वो अपने गुरु से कहने लगे कि मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पर साधक हूँ या फिर होटल मैनेजर की तरह रह रहा हूँ। यहाँ पर सालों साल लोग आ रहे हैं, 8 दिन रहते हैं, वही सत्संग होता है, वही प्रवचन, वही कीर्तन, लेकिन लोग जो मनोभूमिका लेकर आते हैं वही वैसे ही मनोभूमिका लेकर चले जाते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। हम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, इतने बड़े बड़े अभ्यास वर्गों का, शिविरों का आयोजन हम लोग क्यों करें, क्योंकि जो भी काम हम लोग करते हैं उनका लोगों पर तो कोई परिणाम नहीं होता। वही कंप्लेंट्स है, वही मानसिकता है, वही उनकी एक टेंडेंसी है, उसी तरह का विचार करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों में, हम लोग क्यों इतनी मेहनत करें लोगों को सुधारने के लिए। इस तरह का एक प्रश्न उन्होंने अपने गुरुजी से किया। तब उनके जो गुरुजी है संत कबीर दासगणों महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। सारे लोगों को और संपूर्ण समाज का उद्धार करने का ठेका क्या भगवान ने तुम्हें देके रखा है? क्या ये सारी जिम्मेदारी लेकर भगवान ने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा है? तुम्हारा काम नहीं है, ये भगवान का काम है। जितना कर्तव्य बुद्धि से हम लोग कर पाते हैं भगवान के इस धर्म कार्य में मदद, अपना छोटा सा योगदान, उतना ही हम लोग करें और बाकी की सारी बातें भूल जाए। तो दासगणु महाराज ने केवल इतना ही कहा था कि इन सारे लोगों को सुधारने का ठेका तुम्हारे पास नहीं है, हमारा काम है केवल आयोजन करना और बाकी का काम, लोगों को प्रत्यक्ष सुधारने का काम, ये भगवान का होता है। तो जो संत महात्मा होते हैं वो इतना बड़ा कार्य करके भी, मैं इन कामों का करता हूँ, मैं लोगों को सुधार रहा हूँ, मेरी वजह से इस समाज में परिवर्तन आ रहा है, मैंने इन ग्रंथों की रचना की है, इस तरह का कोई विचार नहीं करते, इस तरह का विचार वो इनकरेज भी नहीं करते। वो स्वयं ये विचार करते हैं कि शरीर के माध्यम से ये सारे काम हो रहे हैं, जीवात्मा जो कुछ समय के लिए इस शरीर में बसा हुआ है, वो जीवात्मा ये सारे काम शरीर के माध्यम से कर रहा है, लेकिन ये शरीर से सारा इतना बड़ा व्यवहार होते भी मैं अकर्ता आत्मा हूँ, वो अपने स्वरूप के अनुसंधान में स्थित रहते हैं। यह है बुद्धिमान मनुष्य की अवस्था। और बिल्कुल इसके विपरीत जो मूढ़ व्यक्ति होता है वो अकर्म में कर्म, अकर्म में कर्म माने क्या, वो सोचता है
मूढ़ व्यक्ति कि देखो भाई मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा उतने मुझे उसके ज़्यादा फल भुगतने पड़ेंगे, मैंने ये काम किया तो पता नहीं कब फल मिलेगा, अच्छा है या बुरा है, कैसा फल मिलेगा, अब पता नहीं मुझे ये कर्म के फल भुगतने के लिए मुझे दूसरे जन्म लेने पड़ेंगे, तो अब मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं जाकर एक दूर एक किसी आश्रम में चला जाता हूँ, किसी वन में चला जाता हूँ, या फिर घर में ही किसी कोने में जाकर बैठ जाता हूँ, देखो अब मैं पूरी तरह से स्थिर हूँ, मैं बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा। मान लीजिए मैं कोने में जाकर बैठ गई, पद्मासन डालकर बैठ गई, ऐसी मैंने बहुत सुंदर मुद्रा कर ली, आंखें बंद कर ली, सारे पर्दे डाल दिए, सारी आवाज़ें बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, अब मैं एकदम शांति से वहाँ पर बैठी हूँ। व्यवहार के दृष्टिकोण से ये कहा जा सकता है कि ये अकर्म है क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन शरीर से भले ही अकर्म हो लेकिन मन में पचासों विचार चल रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा विचार ये है कि देखो मैं कितनी शांत बैठी हूँ, देखो मैं कितनी स्थिर हूँ, देखो मेरी बिल्कुल हलचल नहीं हो रही है, तो मैं एकदम शांत हूँ मतलब कौन शांत है, मैं स्थिर हूँ मतलब कौन स्थिर है। तो स्थिर ये शरीर है, शांत ये शरीर है, लेकिन मन में अंदर बहुत बड़ा विचारों का तूफान हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ये एक अनुभव है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में जितने विचार मन में नहीं आते उतने विचार जब हम लोग शांति से एक जगह पर बैठते हैं तो उतने बहुत सारे विचारों का तूफान मन में आ जाता है। उसी तरह ये जो मूढ़ व्यक्ति है ये लोगों को दिखाने के लिए शांति से बैठा है, स्थिर बैठा है, लेकिन अंदर उसका अभिमान रूपी कर्म शुरू है, मैं स्थिर बैठा हूँ, मैं शांत बैठा हूँ। इस तरह से मूढ़ व्यक्ति विचार इसलिए करता है क्योंकि उसका जो मैं, उसका जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है वो शरीर के साथ है। शरीर चला तो मैं चली, शरीर बैठा तो मैं बैठ गई, शरीर स्थिर है तो मैं स्थिर हूँ। मूढ़ व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन देह के साथ है, इसलिए वो अपने आप को अकर्म, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ ऐसा मानता है, लेकिन वास्तविक में जब तक इस देह के साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन है तब तक अभिमान रूपी कर्म अखंड शुरू रहता है। और ये जो अभिमान रूपी कर्म है कि शरीर से शांत है लेकिन मन से अशांत है, शरीर से स्थिर है लेकिन मन से अस्थिर है, शरीर से काम नहीं कर रहा लेकिन मन से पचासों काम हो रहे हैं, अब ये जो स्थिति है इसे भगवान ने तीसरे अध्याय में मिथ्याचार कहा था, ढोंग कहा था, दंभ कहा था, मिथ्याचार स उच्यते। और ये बिल्कुल आदर्श पारमार्थिक स्थिति नहीं है। आदर्श क्या है? आदर्श वो बुद्धिमान व्यक्ति है कि जो शरीर से कामों में रत है लेकिन मन से अपने स्वरूप में स्थित है। देखिए दो बातें हैं, एक है रूप और दूसरा है स्वरूप। रूप माने शरीर के साथ अखंड व्यवहार हो रहा है लेकिन मन से पूर्णतः अपने स्वरूप में स्थित है, और जो मूढ़ व्यक्ति है वो देह माने देह से स्थिर बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा, निष्क्रिय बैठा है, परंतु अपने मन से अनेकानेक विचार कर रहा है, अनेकानेक मन से काम कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर माने इस श्लोक में डायरेक्टली नहीं लिखा है, इस श्लोक में केवल इतना कहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कर्म में अकर्म को देखता है, मतलब सारे काम करते हुए भी ये जानता है कि मैं अकर्ता आत्मा हूँ। और कोई व्यक्ति अगर परमार्थ के नाम पे ढोंग करके इस तरह कोने में बैठी है तो उस व्यक्ति का नाटक भी ये बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ये नाटक कर रहा है, क्योंकि ये शरीर से स्थिर बैठा है लेकिन मन से उसकी दुनियादारी चल रही है। तो मन से दुनियादारी करना और शरीर से शांत बैठना ये बिल्कुल भी आदर्श स्थिति नहीं है। एक थोड़ा सा हम लोग विचार करें, क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि हम लोग मन से एकदम शांत है और बाहर से इतना बड़ा झमेला, ये बहुत बड़े काम हमें करने पड़ते हैं, क्या ये संभव है? तो एक उदाहरण देखते हैं और एक उदाहरण देखकर हम लोग आज का चिंतन समाप्त करेंगे कि मान लीजिए कोई एक्टर है जो सिनेमा में जाकर एक्टिंग कर रहा है, वो जो एक्टर है वो अपने वास्तविक जीवन में बहुत अमीर है, बहुत श्रीमंत घर का है, अपने घर में उसके यहाँ 50 नौकर है, 10-20 नौकर है, रोज़ सुबह जब उठता है, पैर जब ज़मीन पर रखता है तो उसके स्लीपर्स पहनाने वाला एक नौकर है, वो जूस पीता है, जाकर एक्सरसाइज करता है,
कार है उसके पास, खाना खिलाने वाले लोग हैं, सारा उसका चाव उठाने वाले लोग हैं। अब ये जो एक्टर है मूवी में जाकर एक अत्यंत गरीब भिखारी का रोल कर रहा है, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा अभिनेता है। जब वहाँ पर जाकर गरीब भिखारी का रोल करता है तो बिल्कुल अपना कैरेक्टर बन जाता है, बिल्कुल उसके तरह कपड़े, उसके तरह मेकअप, उसके तरह बाल फटे हुए कपड़े, सारा मेकअप है, चेहरा बदल गया, रास्ते पर जाकर भीख मांगता है। रास्ते पर खड़ा रहकर जब वो भीख मांगता है तो ही बिकम्स वन, ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हो जाता है, इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि लोगों को उस पर दया आती है। दो चार घंटे के लिए मानो शॉट है, टेक है, रिटेक है, दो चार घंटे के लिए रास्ते पे खड़ा रह के वो भीख मांग रहा है, लेकिन मन ही मन में उसे पता है कि ये सिर्फ किरदार है, ये सिर्फ मैं किरदार निभा रहा हूँ। चाहे कितना ही वो अपने रोल के साथ एकरूप क्यों ना हो जाए, मन ही मन में उसे पता है कि ये सब होने के पश्चात मैं अपने महल में वापस जाऊँगा और मेरे पास मेरे वो जो 500 नौकर है वो वापस आ जाएंगे, मेरा धन संपत्ति है, मैं मूलतः अमीर हूँ, यहाँ पर गरीब का, गरीब भिखारी का सिर्फ रोल कर रहा हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह ये जो जीवन मुक्त संत महात्मा होते हैं वो इस तरह रोल प्ले करते हैं, मूलतः मैं निष्क्रिय हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन शरीर के माध्यम से वो अपना स्वयं का काम, माने अपने शरीर धारणा का काम करते हैं, परिवार संबंधी सारे कर्तव्य करते हैं, समाज के प्रति उनकी करुणा होते हैं, बहुत बड़ा काम वो समाज के लिए करते हैं, समष्टि कल्याण के लिए करते हैं, और ये सारे काम करते हुए उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, वैयक्तिक उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता, केवल समाज कल्याण के लिए भगवान ने जो उन्हें भूमिका दी है, भगवान ने जो उन्हें रोल दिया है वो रोल प्ले करते हैं, लेकिन शरीर से रोल प्ले करते हुए उनका सारा अनुसंधान अपने स्वरूप में होता है। और वही सबुद्धिमान मनुष्येषु, भगवान कहते हैं वही सारे मनुष्यों में बुद्धिमान है। तो ये कर्म करने की छोटी सी युक्ति है कि बाहर से शरीर से सारे काम करते रहो लेकिन मन से अपने स्वरूप में स्थित रहो। इसकी जो विपरीत बात है कि बाहर से कोई काम बिना किए बैठना और मन से अनेकानेक विचार करना, ये बिल्कुल आदर्श बात नहीं है, ये भगवान यहाँ पर रेकमेंड नहीं करते। और यही 18वें अध्याय का 18वें श्लोक का रहस्य है, यही कर्म की महत्वपूर्ण युक्ति है, कर्म की महत्वपूर्ण ट्रिक है, यज ज्ञात्वा, जिसे जानकर मोक्ष से अशुभात, इस अशुभ बंधन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मैं देह हूँ ये बंधन, जग सत्य है और मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ये जो हमारे तीन अदृश्य बंधन है जिनकी वजह से हमारे मन में भय, चिंता, क्रोध, मत्सर, संदिग्धता, कन्फ्यूजन, ये सारे निर्माण होते हैं, इन सारे विकारों को निर्माण करने वाले इन तीनों बंधनों से, इन तीनों ही अशुभ बंधनों से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं कर्म में अकर्म करना और अकर्म में कर्म करना, इस प्रणाली को अच्छी तरह से समझ लो और इस इंटेंशन के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ अगर तुम काम करोगे तो तुम्हें उसका बंधन नहीं होगा। आज हमने 16, 17, 18 इन तीन श्लोकों का अभ्यास किया जो महत्वपूर्ण श्लोक माने गए हैं, और भगवद्गीता के अगले सत्र में हम लोग अगले 19वें श्लोक से हमारा अभ्यास आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत।